कोलकाता के चक्रबेड़िया और राज्य के अन्य जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED की बड़ी कार्रवाई जारी है। चक्रबेड़िया के अलावा बसंती, जयनगर, कल्याणी सहित 6 अन्य स्थानों पर भी ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। इस छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारी विभिन्न ठिकानों पर दस्तावेजों और अन्य सबूतों की तलाश में जुटे हुए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाले में शामिल लोगों की पहचान और उनके काले कारनामों को उजागर करने के लिए ईडी द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक PDS घोटाले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की आशंका है, जिसमें सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों को मिलने वाले अनाज और अन्य सामग्री की हेराफेरी का मामला सामने आया है। ईडी की यह कार्रवाई इस घोटाले के तारों को खंगालने और दोषियों को पकड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राज्य भर में हो रही इस छापेमारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और ईडी की इस कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।